हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि जब भी किसी दो देशों के बीच में, जो दो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं, उन दोनों के बीच में अगर ट्रेड वॉर चलती है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है पूरे इकोनॉमी में, पूरे जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उस पर हम देख सकते हैं। साथ में इसका जो असर है वो कई सारे प्रोडक्ट्स पर आता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो जापान और कोरिया का ट्रेड वॉर चल रहा है, इसकी वजह से जो मोबाइल फोन्स आप यूज़ करते हो, क्या उसके प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। आपको पता है कि मोबाइल फोन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर्स का, जो प्रोसेसर्स होते हैं बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस में। तो क्या उनके महंगे होने से ये मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं, इसका रिलेशन क्या है बेसिकली जापान कोरिया ट्रेड वॉर के बीच में, इसको अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज मी अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। तो जैसा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, तो यहां पर स्टडी आईक्यू के वेबसाइट www.testiq.in पर जाकर इस टेस्ट को आप 1500 रुपीस में खरीद सकते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं वरी कर रही है, जो जापान और साउथ कोरिया ट्रेड वॉर चल रहा है। यहां पर जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगर इसी तरह से जापान साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूट चलता रहा, तो यहां पर जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स होने का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि जो जापान और साउथ कोरिया है, इन दोनों की जो लोकेशन है वो मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज इंडिया। इसके ईस्टर्न साइड में अगर आप चलेंगे तो म्यांमार, थाईलैंड जैसी साउथ ईस्ट कंट्रीज को क्रॉस करते हुए, नॉर्दर्न साइड में जब आप आगे बढ़ेंगे चाइना क्रॉस करेंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा कोरियन पेनिनसुला, जहां पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। और इसके भी फार ईस्ट में आप देख सकते हैं कि जापान है। जापान की जो चार मेन आइलैंड्स हैं आपको पता होना चाहिए, होकाइडो, होनशु, शिकोकू और क्यूरुशु। यहां पर साउथ कोरिया और जापान के बीच में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सी देख सकते हैं जिसका नाम है सी ऑफ जापान। यहां पर साउथ कोरिया के लेफ्ट हैंड साइड में आप येलो सी को देख सकते हैं, और साउथ कोरिया जापान के साउथर्न साइड में ईस्ट चाइना सी देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेकर, कि ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट आया है, इसको अच्छे से जानना है। तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से करेंसी का मैनिपुलेशन किया जाता है चाइना के द्वारा, एंड जब भी यूएस कोई भी स्टेप लेता है सैंक्शंस लगाते समय। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलकर यूएस चाइना से भी आगे चलकर जो जापान और साउथ कोरिया के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ट्रेड वॉर को लेकर, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो सकती है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पर जो दोनों देशों के बीच में पूरी ट्रेड वॉर है, ये स्टार्ट होती है जुलाई 2019 में। बेसिकली यहाँ पर जापान कई सारे हाई टेक मटीरियल्स एक्सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को, ताकि साउथ कोरिया, आपको पता है, काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है, मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गया, डिस्प्ले स्क्रीन्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं साउथ कोरिया के द्वारा। इसके लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये मंगाता है जापान से। तो यहाँ पर जापान ने बेसिकली तीन तरह के केमिकल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, जो कि कोरियन कंपनीज इंपोर्ट कराती थी जापान से। तो यहाँ पर कोरियन कंपनीज को ज़रूरत पड़ती थी इन तीन केमिकल्स की, जो जापान से खरीदता था, तो यहाँ पर जापान ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। यहाँ पे जापान का आर्गुमेंट ये था कि जो साउथ कोरिया है वो इलीगल तरीके से जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, इन सारे कंट्रीज़ को इस तरह के केमिकल्स धीरे से दे देता है। मतलब कि जापान को एक आर्गुमेंट बेसिकली देना था, का वर्ल्ड को दिखाना था कि किस तरह से यहां पर साउथ कोरिया इलीगल तरीके से इन सारे कंट्रीज को देता है। आपको पता है कि ये दोनों कंट्रीज आपकी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आती हैं, मतलब ट्रेड करना यहां पर सही नहीं होगा इन सारे कंट्रीज के साथ। तो ये आर्गुमेंट दिया जापान ने। एंड लेट मी टेल यू, जो तीन केमिकल्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी जो 90% सप्लाई है, वर्ल्ड की सप्लाई है, वो अकेले जापान पर आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो साउथ कोरिया है ये जापान पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है इस तीन केमिकल से। अब आपको मैं बार बार इन तीन केमिकल्स के बारे में कह रहा हूं, तो लेट मी टेल यू, ये जो तीनों केमिकल्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। आपको पता है कि मोबाइल फोन्स हो गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं वहां पर सेमीकंडक्टर्स की काफी ज्यादा आवश्यकता
क्षमता होती है, इवन जो प्रोसेसर्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, वो भी ये सेमीकंडक्टर्स के थ्रू ही बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको पता होगा स्नैपड्रैगन हो गया, मीडिया टेक हो गया, इस तरह के प्रोसेसर यूज़ होते हैं। वहीं अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो AMD हो गया, इंटेल हो गया, इस तरह के प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्राइसेस में। तो यहाँ पर क्योंकि साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इस तरह के मोबाइल फ़ोन, इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो इसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती है इन सारे केमिकल्स की जो कि वो जापान से मंगाता है। एंड लेट मी टेल यू कि जो ग्लोबल सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स की, इसकी 60% से ज़्यादा जो सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स प्रोसेसर्स की जो मैंने आपसे बात की, ये अकेले साउथ कोरिया 60% से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट जो सैमसंग और इलेक्ट्रॉनिक्स है और SK हाइनेक्स है, ये दोनों कंपनीज अकेले काफ़ी ज़्यादा वेट रखती हैं पूरे वर्ल्ड में। साथ में अगर मैं आपको कोरिया की, जो साउथ कोरिया है, उसकी एक्सपोर्ट ग्रोथ के बारे में बात करूं 2018 में, तो 92% जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ आई थी वो अकेले आई थी सिर्फ सेमीकंडक्टर्स की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि साउथ कोरियन इकोनॉमी के लिए ये सेमीकंडक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से उनको ज़्यादातर इनकम आती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं आपसे इंडिया के बारे में भी बात करूँ, तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं मई 2019 में, कि इंडिया भी कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है कि वो एक चिप डिज़ाइन हब बन सके, क्योंकि ज़्यादातर जो चिप्स हैं वो वहीं साउथ कोरिया हो गया और थोड़े बहुत चाइना से भी मंगाए जाते हैं। इनफैक्ट चाइना में भी ये काफ़ी कम मैन्युफैक्चर होते हैं, ओनली 16% जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं उसका 16% सेमीकंडक्टर सिर्फ चाइना में प्रोड्यूस होता है। तो चाइना का एम है कि बाई 2025 70% जो यूज़ करता है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में सेमीकंडक्टर्स वो खुद से मैन्युफैक्चर करें। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर ये जापान यहाँ पर रोक देता है साउथ कोरिया को ये सारे केमिकल्स एक्सपोर्ट करने में, तो यहाँ पर जो कॉस्ट है ये सेमीकंडक्टर्स की, ये प्रोसेसर्स की, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है अगर इनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो ये डायरेक्टली आपके यूज़ होते हैं मोबाइल फ़ोन्स में, तो ऑब्वियस ही बात है आपके मोबाइल फ़ोन्स के प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली क्योंकि मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, इसकी वजह से ये इंक्रीज़ हो सकते हैं। अब आपके मेन मन में सवाल आएगा कि आखिरकार जुलाई 2019 में ये जापान ने आखिर किया क्यों, इसका कुछ बैकग्राउंड होगा डेफिनेटली, तभी किया होगा। तो लेट मी टेक यू 6 डेकेड्स बैक, जहां पर आप टेंशंस देख सकते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। बेसिकली आपको पता होगा कि 1945 वर्ल्ड वॉर टू के पहले जापान भी एक कॉलोनियल कंट्री था, वो अलग अलग देशों पर राज करता था, कॉलोनी बना रखा था। तो वैसे ही यहां पर जापान ने 1910 से लेकर 1945 तक जो कोरियन पेनिनसुला है पूरा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो यहां पर उसने काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था, जिसकी वजह से यहां पर जापान की जो मिलिट्री है, वहां की जो फोर्स है, उन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया कोरियन पेनिनसुला में रह रहे लोगों पर, स्पेशली जो वुमेन हैं उनके ऊपर सेक्स स्लेवरी का काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म किया गया एक तरह से आप कह सकते हैं। तो दोनों देशों के बीच में 1945 वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चलती रहीं, और यहाँ पर अल्टीमेटली 1965 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया बेसिकली, और यहाँ पर जो जापान है उसने कुछ कंपनसेशन देने की बात की। बट अगेन यहां पर जो साउथ कोरिया के जो लोग हैं जो इससे प्रताड़ित हुए थे, जो इन प्रॉब्लम से गुजरे थे जापान की वजह से, वो लोग इससे खुश नहीं थे, और इसके बाद भी पूरी टेंशन्स लगातार चलती रही हैं दशकों तक। और फाइनली 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, सिंजो आबे, उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगा, अपोलोजाइज भी किया, और उन्होंने ये भी कहा इट इज़ इनक्यूरेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो ऊंट पहुंचा है साउथ कोरियन लोगों पर, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और यहां पर उन्होंने एक $10 मिलियन का फंड बनाया गया जिसका नाम दिया गया कम्फर्ट वुमेन फंड बेसिकली। तो यहाँ पर उन्होंने एक फंड का निर्माण किया गया ताकि उनके जो डिसेंडेंट्स हैं जो पूरे दौर से गुजरे थे 1945 के पहले, उनको कंपनसेट किया जा सके, और इवन जो 90-100 ईयर्स के जो लोग हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उनको भी कुछ कंपनसेट किया जा सके। लेकिन अगेन यहाँ पर जो साउथ कोरियन लोग हैं वो इससे खुश नहीं थे, उन्होंने कहा कि
जब ये एग्रीमेंट किया गया है जापान और कोरिया के बीच में 2015 में, जहाँ पर फंड बनाने की बात कही गई है, तो इन साउथ कोरियन लोगों से इसके बारे में राय नहीं ली गई, तो इससे अभी भी वो खुश थे। और यहाँ पर जापान कोरिया ने एक और भी चीज़ डिसाइड किया 2015 के बाद कि इंटरनेशनल फोरम पर वो एक दूसरे के साथ वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अदरवाइज उनके जो रिलेशंस हैं वो खराब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पूरी टेंशन है वो लगातार चलती रही। और आपको पता होगा कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं होता है, जो पुरानी चीज़ों को लेकर बाकी देशों में भी इस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। और 2017 में इलेक्शंस होते हैं साउथ कोरिया में, और वहाँ पे नए प्रेसिडेंट चुन के आते हैं मून जे इन, और वहाँ पर उनका ये कहना था कि उनके जो प्रीडिसेसर थी साउथ कोरिया की, जो प्रेसिडेंट थी उनके पहले, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था 2015 में जापान के साथ, सिंजो आबे के साथ, वो उस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। जो $10 मिलियन का फंड बनाने का बात किया गया वो उसको नहीं मानते हैं। और यहाँ पर साउथ कोरिया के कुछ लोग वहाँ की सुप्रीम कोर्ट चले गए बेसिकली, और यहां पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट, साउथ कोरिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, उनका एक निर्णय आता है, डिसीजन आता है कि जापान की जो कंपनीज हैं उनको काफी ज्यादा कंपनसेट करना पड़ेगा साउथ कोरियन लोगों को। और स्पेशली यहां पे ऑर्डर दिया गया जो निप्पन स्टील है और मित्सुबिशी जो इंडस्ट्रीज हैं, इन दोनों बेसिकली इंडस्ट्रीज को यहां पर कंपनसेट करना पड़ेगा। अब इसको देखते हुए ऑब्वियस सी बात है जो जापान है वो इससे खुश नहीं था, वो काफी ज्यादा नाराज था कि हमने काफी ज्यादा जो एग्रीमेंट है वो करने की कोशिश की गई है, उसके बाद भी हम पर ये सारे इल्जाम लगाए जा रहा है। इसको देखते हुए अब हम आते हैं अपने जुलाई 2019 में, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी इस वीडियो में। तो जुलाई 2019 में जाकर जापान रिटेलिएट करता है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली वो लगा देता है। यहां पर स्पेशली मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्हाइट लिस्ट की। यहां पर जापान के पास एक व्हाइट लिस्ट है बेसिकली। यहां पर जापान कहता है कि जो ट्रेड करना चाहता है बाकी देशों के साथ अच्छे से, मतलब कि उनके साथ रिलैक्सेशन होगा कई सारे टैरिफ को लेकर। यहां पर मतलब 27 कंट्रीज हैं बेसिकली इस व्हाइट लिस्ट में, जो कि जापान के साथ अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर जुलाई में जापान ने क्या किया, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, साउथ कोरिया है, उसको इस लिस्ट से निकाल दिया और यहां पर बच गए सिर्फ 26 कंट्रीज। तो इसको देखते हुए काफी ज्यादा जो ट्रस्ट है दोनों देशों के बीच में वो बिगड़ने लग गई। तो यहां पर अल्टीमेटली हम वापस अपने जो फर्स्ट स्लाइड की मैंने आपसे बात की थी कि ये जो तीन केमिकल्स हैं बेसिकली, इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया कोरियन कंपनीज को देने से, क्योंकि उसकी जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, वहां के जो लोग इस पर नाखुश थे, इसको देखते हुए जापान ने ये स्टेप लिया आप कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा मामला था जापान और साउथ कोरिया के ट्रेड वॉर के बीच में, और यहां पर किस तरह से जो मोबाइल फोन के प्राइसेस हैं अगर ये प्रोलॉन्ग चलती रही तो सेमीकंडक्टर्स और प्रोसेसर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ेगी और अल्टीमेटली इसके प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर सारे देशों को मिलकर, स्पेशली अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अक्सर इन दोनों के बीच में समझौता कराता रहा है, तो यहां पर अगेन उसको स्टेप इन करना चाहिए और इस चीज को रोकना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था जहां पर यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बीच में क्या इससे फायदा क्या हुआ बेसिकली आपको मैंने बताया था, इंडिया को क्या फायदा हुआ। तो यहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से ओवरऑल जो वर्ल्ड की जीडीपी है, इकोनॉमी है, उस पर असर आता है। तो अगेन ये इस तरह की चीजें ना आए, इसको रोकना हमें जरूरी है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ में आपको पता है इंस्टाग्राम पर आप जाके क्विजेस खेल सकते हैं मेरी स्टोरीज में जाके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू सून।